अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बायोलॉजी बाय सर आमिर। डियर स्टूडेंट, आज के इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करने जा रहे हैं टॉप 20 एमसीक्यूज चैप्टर 16 स्पॉट एंड मूवमेंट। तो एमसीक्यूज नंबर 1 है, मोल्टिंग और ऑक्सीडाइसिस अकर इन आर्थ्रोपॉड एट द इमेच्योर स्टेज, बोथ स्टेजेस डोंट अंडरगो मोल्टिंग। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है बी, मेच्योर स्टेज। एमसीक्यूज नंबर 2, मसल फटीज इज कॉज्ड बाय कार्बन डाइऑक्साइड एक्युमुलेशन ऑफ लैक्टिक एसिड, फ्यूमेरिक एसिड, एथाइल अल्कोहल। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है बी, एक्युमुलेशन ऑफ लैक्टिक एसिड। नेक्स्ट एमसीक्यू है, लिविंग सेल्स ऑफ कार्टिलेज आर कॉल्ड ऑस्टियोब्लास्ट, ऑस्टियोसाइट्स, क्वानोसाइट्स, कॉन्ड्रोसाइट्स। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है बी, ऑस्टियोसाइट। डियर स्टूडेंट्स, बोन्स में 3 तरह के सेल्स मौजूद होते हैं, ऑस्टियोब्लास्ट, ऑस्टियोक्लास्ट, ऑस्टियोसाइट्स। ऑस्टियोब्लास्ट बोन फॉर्मिंग सेल्स को कहते हैं, ऑस्टियोक्लास्ट बोन डिजॉल्विंग सेल्स हैं, जबकि बोन के मैच्योर सेल्स को ऑस्टियोसाइट्स कहा जाता है। एमसीक्यूज नंबर 4 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज प्लैंटीग्रेड, रैबिट, मंकीज, हॉर्स, कॉर्निवोर। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है बी, मंकीज। डियर स्टूडेंट, ये टेबल एमसीक्यूज के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है और काफ़ी दफ़ा ये तमाम बोर्ड में पूछा जा चुका है। प्लेंटीग्रेड में ऐसे एनिमल्स शामिल होते हैं जो वॉक करते हैं सोइल्स के साथ विद द हेल्प ऑफ पाम, रिस्ट एंड डिजिट, जिसमें मंकीज, एप्स और हम्बिस में शामिल हैं और बियर भी। डिजिटीग्रेड में ऐसे एनिमल्स होते हैं जो सिर्फ डिजिट का इस्तेमाल करके जो है वॉक करते हैं, इसमें रैबिट्स और रोडेंट्स हैं, जबकि अंगुलीग्रेड्स में ऐसे एनिमल्स शामिल हैं जो कि सिर्फ टूल्स के टिप्स को यूज़ करके वॉक करते हैं, जिसमें डियर और गोट शामिल हैं। एमसीक्यूज नंबर 5 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज डायरेक्ट सोर्स ऑफ एनर्जी फॉर मसल कॉन्ट्रैक्शन, एटीपी, केराटिनिन फॉस्फेट, लैक्टिक एसिड, बोथ ए एंड बी। तो डियर स्टूडेंट्स, का करेक्ट ऑप्शन है डी, बोथ ए एंड बी, जिसमें एटीपी और केराटिनिन फॉस्फेट इन दोनों को एनर्जी के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है। नेक्स्ट एमसीक्यू है, अ डिजीज विच कॉज इमोबिलिटी एंड फ्यूजन ऑफ वर्टिब्रल ज्वाइंट्स इज कॉल्ड क्याटिका, स्पोंडोलाइसिस, रिकेट्स, डिस्क स्लिप। इसका करेक्ट ऑप्शन है बी, स्पोंडिलाइसिस। नेक्स्ट एमसीक्यू है, द स्क्लेरेनकाइमा सेल्स फाउंड इन सीड कोट एंड नट शेल आर द फाइबर्स, वेसल्स, ट्रैकेट्स, स्क्लेरेट्स। तो इसका ऑप्शन है डी, स्क्लेरेट्स। एमसीक्यू नंबर 8 है, द मैमल हुड वॉक ऑन द टिप्स ऑफ टूल मॉडिफाइड इनटू हूफ आर कॉल्ड प्लैंटीग्रेड, अंगुलीग्रेड, डिजिटीग्रेड, ब्रैंकीग्रेड। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है बी, अंगुलीग्रेड। एमसीक्यूज नंबर 9, अ कंडीशन इन विच पैलेंटाइन ऑफ मैक्सिला एंड पैलेंटाइन फेल टू फ्यूज, ऑर्थराइटिस, टैटनी, क्लेफ्ट प्लेट, ऑस्टियोपोरोसिस। इसका करेक्ट ऑप्शन है सी, क्लेफ्ट प्लेट। एमसीक्यूज नंबर 10, द फ्यूजन ऑफ 4 पोस्टीरियर वर्टिब्राई प्रेजेंट इन द पेल्विक रीजन फॉर्म सर्विकल वर्टिब्राई, कोकेक्स, सैक्रम, लंबर। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है बी, कोकेक्स। डियर स्टूडेंट, हमारे जो लास्ट 9 वर्टिब्राई हैं, इसमें बेसिकली 2 तरह की फ्यूजन है। जो फर्स्ट यानी इंटीरियर 5 वर्टिब्राई हैं, जब वो फ्यूज़ करें तो उसको सैक्रम, जबकि लास्ट यानी पोस्टीरियर 4 वर्टिब्राई के फ्यूजन को कोकस कहते हैं। नेक्स्ट एमसीक्यू है, द प्रोटीन फिलामेंट विच बाइंड्स टू कैल्शियम इन मसल कॉन्ट्रैक्शन, ऑप्शन ए, एक्टिन, बी, मायोसिन, सी, ट्रोपोनिन, डी, ट्रोपोमायोसिन। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है सी, ट्रोपोनिन। एमसीक्यू नंबर 12, द कनेक्टिव टिश्यू विच अटैच द बोन टूगेदर एंड स्लाइटली इलास्टिक इन नेचर, लिगामेंट, टेंडन, क्रॉस ब्रिज, जी लाइन। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ए, लिगामेंट। डियर स्टूडेंट, ये बहुत ही कन्फ्यूजन एमसीक्यू है और काफ़ी दफ़ा ये बोर्ड्स में आ चुका है। लिगामेंट हम ऐसा कनेक्टिव टिश्यू है जो बोन को बोन के साथ जोड़ता है, जबकि टेंडन्स ऐसे कनेक्टिव टिश्यू हैं जो मसल को बोन के साथ जोड़ते हैं। नेक्स्ट एमसीक्यू है, ब्रैकियो रेडियलिस अपलिफ्ट इज कास्ट बाय रेडियस, उल्ना, ह्यूमेरस, बोथ ए एंड बी। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ए, रेडियस। एमसीक्यू नंबर 14, विच ऑफ द फॉलोइंग बोन इज एक्सियल स्केलेटन, रिब, पैल्विस, शोल्डर गर्डल, फीमर। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ए, रिब, पैल्विस, शोल्डर गर्डल, फीमर। ये तमाम बोन्स अपेंडिकुलर स्केलेटन का पार्ट हैं। एमसीक्यूज नंबर 15, डिजीज अपेयरिंग ड्यू टू लो लेवल ऑफ कैल्शियम आयंस इन द ब्लड, क्रैम्प, ऑर्थराइटिस, स्पोंडिलोसिस, टैटनी। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है डी, टैटनी। नेक्स्ट एमसीक्यू है, द नंबर ऑफ लंबर वर्टिब्रा इन ह्यूमन बीइंग इज 5, 7, 9, 12। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ए, 5।
डियर स्टूडेंट्स, वर्टिब्राई को हमने रीजन के अतबार से 4 डिफरेंस के रीजन हैं, सर्विकल वर्टिब्राई, थोरेसिक वर्टिब्राई, लंबर वर्टिब्राई और पैल्विक रीजन। सर्विकल रीजन में 2 वर्टिब्रा हैं, थोरेसिक रीजन की बात की जो तो उसमें 12 वर्टिब्राई हैं, जबकि लंबर वर्टिब्राई की तादाद 7 है। एटलस एंड एक्सिस वर्टिब्रा लोकेटेड इन सर्विकल रीजन, थोरेसिक रीजन, पैल्विक रीजन, लंबर रीजन, तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ए, सर्विकल रीजन। लॉन्ग सिलेंड्रिकल एंड बंडल कैप ऑफ जाइलम इज स्क्लेरिड्स, ट्रैकिड्स, ट्रैकिया, कैम्बियम, तो इसका करेक्ट ऑप्शन है बी, ट्रैकिड्स। डियर स्टूडेंट्स, ट्रैकिड्स का दूसरा नाम फाइबर भी है। एमसीक्यूज नंबर 19, अ टिश्यू हुज फंक्शन इज स्पॉट इवन व्हेन इट इज डेड, कोलेनकाइमा, क्लेरेनकाइमा, पेरेनकाइमा, बोथ ए एंड सी, तो डियर स्टूडेंट्स का करेक्ट ऑप्शन है बी, स्क्लेरेनकाइमा। एमसीक्यूज नंबर 20, व्हेन मसल कॉन्ट्रैक्ट सार्कोमेयर इंक्रीज इन साइज, ऑप्शन बी, मायोसिन स्लाइड पास्ट एक्टिन, ऑप्शन सी, लैक्टिक एसिड इज प्रोड्यूस्ड, ऑप्शन डी, बोथ ए एंड बी, तो डियर स्टूडेंट इसका करेक्ट ऑप्शन है बी, मायोसिन स्लाइड पास्ट एक्टिन। तो डियर स्टूडेंट, आप की हमारी वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट सेक्शन में बताइएगा। मजीद इसी तरह की वीडियोज़ को देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें और शेयर करना मत भूलिएगा।